बच्चों आज की वीडियो में अपन कक्षा सातवीं विषय सामाजिक विज्ञान पार्ट पांच पढ़ेंगे, जिसका नाम है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो बच्चों इस पार्ट में जो है अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है और हमारे कर्तव्य कौन से हैं, मूल कर्तव्यों के बारे में आपको बताया गया है और मौलिक अधिकार क्या है ये भी आपको बताया गया है, जो कि आपके इस पाठ में विस्तार से दे रखे हैं। मैं आपको इनके जो है मुख्य बिंदु आपको समझाऊंगी, आप अपनी किताब खोलकर बैठिए बच्चों और इसको विस्तार से पढ़िएगा, पाठ को एक या दो बार जरूर पढ़िएगा। तो बच्चों यदि कोई व्यक्ति किसी के जबरन काम करने के लिए कोई उसको मजबूर करता है या वेतन कम देता है तो वह उसको उसका शोषण कर रहा है, तो ये उसके अधिकार का हनन है। तो आपको इसमें अपने अधिकार के बारे में बताया गया है कि मतलब समानता का अधिकार और भारत के संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अपने 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। तो बच्चों आप देखना इसमें समता के अधिकार में आपको जो है दे रखा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, दुकानों, शैक्षणिक संस्थाओं, नदी तालाबों, भोजन होटलों में प्रवेश किसी को रोका नहीं जा सकता, इसमें ये आएंगे, आप इसको विस्तार से पढ़ना इस पॉइंट को। फिर है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें आपको 6 स्वतंत्रता है प्राप्त है, जैसे विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आप जो है भारत में भारत के नागरिक बिना किसी विशेष अधिकार पत्र के देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता रखते हैं, मतलब भ्रमण करने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। निवास एवं बसने की स्वतंत्रता, तो भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत के किसी भी स्थान पर बसने की और रहने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, और व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये आप इसको डिटेल में पढ़ना बच्चों, जो लाल अक्षरों में आपको ये अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। फिर है आपका शोषण के विरुद्ध, तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति जबरन किसी को काम करवाता है और फिर पैसे कम देता है तो ये है शोषण करना, किसी का शोषण करना, तो ये इसका ये अपना अधिकार है कि अपन कहीं शिकायत करें मतलब और उसके विरुद्ध अपन आवाज उठाएं, ये अपना अधिकार है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता भारत में सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, भारत में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनकी अपनी अपनी संस्कृति है, हमारा संविधान इन सभी को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। तो अपने धर्म को मानना और संस्कृति शिक्षा का भी अधिकार हमें प्राप्त है। फिर है संवैधानिक उपचार का अधिकार, भारत का संविधान समस्त नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है तथा संविधान के इसके लिए पर्याप्त एवं भावपूर्ण सुरक्षा दी गई है, इसे सरकार या कोई भी नागरिक दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। तो आपका प्रश्न बन सकता है कि आपके मौलिक अधिकार कौन से हैं और कितने हैं, तो आपको मैंने बताया कि 6 मौलिक अधिकार हैं, सबको अलग अलग अब मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। अब है हमारे महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान कौन कौन से है, तो आपके देख लीजिए महिलाओं के जो है संविधान द्वारा महिलाओं के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं, विशेष तौर पर जैसे कानून के समक्ष लिंगीय समानता है ना, और महिलाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों को सकारात्मक विभेद का प्रावधान, और आयु सीमा की छूट, रोजगार के समान अवसर, मतलब स्त्री पुरुष में भेद नहीं करना, यदि शिक्षित स्त्री है और शिक्षित पुरुष है तो उनमें भेदभाव नहीं करते हुए उनकी विशेषता के आधार पर उन्हें जो है रोजगार देना, कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण प्रदान करना और प्रसूति लाभ निश्चित करना। सरकार ने बहुत सारे नियम चलाए हुए हैं कि जैसे जननी सुरक्षा योजना महिलाओं के लिए, तो प्रसूति करवाने के लिए जाती है महिलाएं तो उनके लिए जो है वाहन भेज दिया जाता है, फिर उन्हें पैसे भी मिलते हैं सरकारी हॉस्पिटल में अगर जो डिलीवरी होती है, तो अलग अलग नियम ये प्रावधान रखे गए हैं।
महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधि को रोकना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर बनाना, पोषण स्तर जैसे आंगनवाड़ियों में महिलाओं के लिए पोषण के लिए जो है बहुत सारे खाद्य पदार्थ की वहाँ पर आंगनवाड़ियों में बांटते हैं सरकार की तरफ से, कमजोर वर्ग की महिलाओं को शिक्षित व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, तो ऐसे जैसे गरीबी रेखा में उनका नाम लिखवा के उनको हर तरह से लाभ पहुंचाना, और अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। हमारे जो है मूल कर्तव्य अधिकार के साथ साथ हमारे देश के प्रति कर्तव्य भी बनते हैं बच्चों, तो वो देख लीजिए आप कि कौन कौन से हैं। तो सभी को अपनी संस्कृति और इसकी अपने जो है संविधान के राष्ट्र की आदर्शों का और राष्ट्रीय गान का राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए, और सभी देशवासियों को धर्म भाषा जाति एवं वर्ग से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्त बनना चाहिए, और भाईचारे में एकता की भावना को विकसित करना चाहिए, और प्राकृतिक संपदा जैसे नदी तालाब जैसे झील महासागर इनकी रक्षा करना चाहिए, वन्य प्राणियों की रक्षा करना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानवता की भावना को उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए, हिंसा से दूर रहकर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी हमारे कुछ और कर्तव्य है जैसे ईमानदारी को बढ़ाना, भ्रष्टाचार मिटाना, और कानून का पालन करना, मताधिकार का उपयोग करना, जैसे चुनाव में अपन वोट देने जाते हैं तो अपने को उचित जो है प्रयोग करना, कहीं गलत वोट न दे जाए तो इसलिए अपन को उचित प्रयोग करना उसका मताधिकार, मताधिकार मतलब वोट करना चुनाव में, सार्वजनिक पदों का जनता के हितों में सदुपयोग करना, अपने ग्राम और नगर के सार्वजनिक हित के कार्यों में सहयोग प्रदान करना, अगर अपने गांव या नगर में कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं या कोई उसमें दे रहा है सहयोग दे रहे हैं तो अपन को भी उसमें देना चाहिए, सड़क बन रही है कहीं कुछ भवन बन रहे हैं सरकारी या कुछ धर्मशालाएं बन रही है तो अपने को भी उसमें योगदान देना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बारे में इस पाठ में आपको समझाया है, आप भी इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा बच्चों एक दो बार, इसके प्रश्न उत्तर में आपको फोटो खींच के भेज दूंगी बच्चों, और इस वीडियो में अपन पाठ साथ पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अपन अगला पाठ पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखना और समय पर होमवर्क करते रहिएगा।